Hello students, welcome to my channel. I am going to explain very important topic Kirchhoff's law. चलो Kirchhoff's law को आप पता ही समझाएं आपको बच्चों. तो अपना पेन और कॉपी निकालिए और तैयार रही आपके न्यू टॉपिक्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. Kirchhoff's फर्स्ट लॉ क्या है? Kirchhoff के दो नियम हैं, दो लॉज हैं. पहला है फर्स्ट लॉ करंट या लूप लॉ, इसको कहते हैं KCL. KCL मीन Kirchhoff करंट लूप लॉ. तो देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप आराम से देखें, इसको और सुने और लिखें और देखते हैं. तो हमने ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो करंट हैं ब्रांचेज, इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे ब्रांचेज होते हैं जहाँ पर करंट आती हैं और जहाँ से आती हैं. तो इसको कहते हैं लूप लॉ, लूप या करंट लॉ भी कहते हैं. सपोज यहाँ पर है वन, यहाँ करंट इनवर्ट आ रही और यहाँ करंट बाहर जा रही, आउटवर्ट है. यहाँ पर भी इनवर्ट आई थ्री है, यहाँ फिर इनवर्ट है आई फोर, इधर क्या इधर आउटवर्ट. सपोज इसको आई फाइव माने आउटवर्ट, और यहाँ यहाँ पर आउटवर्ट माने आई सिक्स, और यहाँ पर है करंट इनवर्ट मान लें आई सेवन. सपोज सेवन, ये सभी करंट क्या हैं, ये सभी करंट आप देखिए इस जंक्शन में आ रही. जंक्शन कहते हैं जंक्शन इसको, ये हमारा उप जो है जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आ रही. इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या लूप लॉ. जंक्शन लॉ या सॉरी सॉरी लूप लॉ नहीं कहेंगे, जंक्शन लॉ या इसको ये जंक्शन लॉ, इसको कहते हैं जंक्शन लूप नहीं, सो जंक्शन लॉ, लूप लॉ नो डोंट लॉ, जंक्शन लॉ भी कहते हैं. तो यहाँ पर जंक्शन लॉ को क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि हम क्या कहते हैं इसको, ये जो कर अब यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं इस जंक्शन में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा वो होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन इट्स जीरो. दैट इज कह सकते हैं कि सिग्मा आई इक्वल जीरो. बच्चों यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है इस पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है आपकी उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है. तो कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीट करती हैं, जो मीटिंग एट एन जंक्शन ये जीरो, जो मीट कर रही हैं जीरो होता है. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर आ रही करंट मीट मिलती हैं जीरो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर एक होता है साइन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन की से. तो अब यहाँ पर जो इनवर्ट आती है, जो अंदर जंक्शन की ओर है, जो करंट हमारी आ रही, तो करंट टूवर्ड क्या जाते हैं जंक्शन आती, जो करंट टूवर्ड जंक्शन आएगी उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट हमारे अवे फ्रॉम जंक्शन जाती है, अवे जा रही, ये टूवर्ड आ रही, ये अवे जा रही, अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से दूर जाती है जो करंट, उस करंट को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव में साइन लेते हैं. ये साइन कन्वेंशन है कि जो करंट जंक्शन की ओर आती है टूवर्ड द जंक्शन उसको पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम द जंक्शन जाती है उसको निगेटिव. देखिए ये टूवर्ड आ रहा है जंक्शन, ये अवे जंक्शन टूवर्ड जंक्शन, अवे टूवर्ड जंक्शन, अवे जंक्शन टूवर्ड, जो इसका एल्जेब्रिक सम क्या है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर आई वन पॉजिटिव, आई वन प्लस आई टू निगेटिव है, इसके अनुसार प्लस क्या लिखें आई थ्री में की साइन लगेगा, प्लस आई फोर, प्लस माइनस आई फाइव,
प्लस माइनस आई सिक्स प्लस आई सेवन इक्वल जीरो। तो स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर, इसके अनुसार स्टेटमेंट आप क्या बन गया आपका, देखिए ये आई वन पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव जो इनवर्ड आ रहे हैं पॉजिटिव, जो आउटवर्ड जा रहे हैं निगेटिव है, तो टूवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं कि आई वन पॉजिटिव, फिर वाले जो पॉजिटिव वाले एक साथ लिखे निगेटिव वाले को ट्रांसफ़र कर दें, आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई सेवन, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई टू प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स, ठीक है। तो ये जो करेंट है, ये करेंट, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड जंक्शन, जो हमारे पास जो एल्जेब्रिक सम है, यहाँ लिख सकते हैं एल्जेब्रिक यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा एल्जेब्रिक में स्पेलिंग यहाँ पे हम गलत करते हैं, एल्जेब्रिक होता है एक एल्जेब्रिक ठीक है, एल्जेब्रिक बच्चों आई ई एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड जंक्शन, ये जंक्शन की ओर है इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक इसमें से स्पेलिंग ए यहाँ आयो एल्जेब्रिक यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा था, ठीक है, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन जंक्शन से दूर जाती है। तो ये हमारे पास देखना है कि जो करेंट आ रही टूवर्ड जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट कमिंग टूवर्ड जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इनका सम इसका सम इक्वल होता है, ये सम इक्वल टू दिस सम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन जो बेस्ड है, किस लॉ पर बेस है, ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, अक्सर पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ जो बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना दे क्रिएटेड नॉट डिस्टर्ब, उस पर बेस है कि, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपको जाना है, यहाँ पर समझना है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, तो इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करें तो इसको समझाएं आपको। तो बच्चों किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ या लूप लॉ इसको, या वोल्टेज लॉ, क्योंकि वोल्टेज लॉ आप जब इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहेगा उसको यहाँ पर उसको KVL के नाम से जाना था, KVL लॉ। तो KVL लॉ क्या है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ये देखेंगे तो करंट अराउंड एक अराउंड एनी क्लोज लूप, या जो हमारा क्लोज लूप होता है या क्लोज पाथ है इन सर्किट, तो इसको लिखते हैं स्टेटमेंट, जैसे आप सिंपल डिफिनेशन लिखा है, जैसे दो डिफिनेशन आप हैं, जैसे तो अराउंड इसको कहते हैं अराउंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द अराउंड एनी क्लोज पाथ इन सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ
of all change in changes of potential is zero. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल जीरो. तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज हम कैसे दैट इज ये लिखना है डेल्टा सिग्मा डेल्टा, सिग्मा में समेशन, डेल्टा में चेंज, वी में पोटेंशियल इक्वल टू जीरो. डेल्टा मीन्स अलजेब्रिक, डेल्टा वी मीन्स क्या, वी का मतलब डेल्टा, वी डेल्टा में चेंज, वी में पोटेंशियल जीरो. तो सभी का जो हमारे इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, या इसको हम लिख सकते हैं अदर वर्ड्स में, इसी में लिखेंगे सिग्मा आई आर, सिग्मा आई आर इक्वल टू ये होता है सिग्मा ई, ईएमएफ, सिग्मा ये ई का यहाँ ईएमएफ ई, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसी का मीनिंग है ये चेंज, ये दिस माइनस दिस इक्वल टू यही तो आता है, इसको इधर लेके जाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये क्या है, इसमें भी हम जब साइन आपको साइन कन्वेंशन समझाएंगे, डेल्टा ई कब पॉजिटिव होता है, ये कब पॉजिटिव होता है, ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होता है, ये भी आप समझा देंगे. इट इज बेस ऑन, ये बेस्ड ऑन, किस पर बेस है, बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ये रूल हमारा कंजर्वेशन एनर्जी पर बेस्ड है. बच्चों अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जांपल, एक फिगर सर्किट के डायग्राम से कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं, इसको हम एक डायग्राम के साथ, एक सर्किट डायग्राम तो शायद हम बना रहे हैं. अब देखिए इसमें इस एग्जांपल के थ्रू हमको समझा रहे हैं आपको. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक, इसको अब आप जानेंगे तो सर्किट के जितने प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर लेंगे यदि आप इसको समझ जाएं. जैसे यहाँ पर है पहला सेल है, इसका ई एम एफ एप्सिलॉन वन है, यहाँ से जो करंट ड्रॉ करेगा वो आई वन होगी, यहाँ से करंट, ये सेकेंड सेल यहाँ से जो करंट आ रही है वो आई टू ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों करंट यहाँ मीट करेंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ से जी यहाँ पर करंट आएगी आई वन प्लस आई टू, न्यूमेरिकल ऐसे ही लगाएंगे आप सॉल्व करेंगे. इस वाइज इस ब्रांच में करंट जा रही है आई वन प्लस आई थ्री आई टू सॉरी, यहाँ जितनी पॉजिटिव से आएगी ये यहाँ से पॉजिटिव से कितनी करंट आ रही थी, पॉजिटिव आई वन, निगेटिव में उतनी ही आई टू जाएगी, इस वाली ब्रांच में करंट जाएगी आई वन, यहाँ से करंट आई वन आ रही, यहाँ से आई टू दोनों मीट करेंगे, इस तरह इसमें आई वन प्लस आई टू, फिर इधर इसमें करंट जाएगी, तो ये करंट इस पर यहाँ से इसमें भी जो एक वाले करंट है आई वन प्लस आई टू होगी, और यहाँ से आई टू इधर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से आई वन आ रही थी यहाँ पर आई टू फिर आई वन, सो ऐसे ही. तो इसको पहले वाले को हम पहला लूप है, ये सेकेंड लूप, दो लूप यहाँ पर है थ्री. तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसमें लिखते हैं, सो इसको हम सबसे पहले आपको बता दें फर्स्ट लूप में इसको, या इसको क्लोज मैश भी हम करते हैं, इस फर्स्ट इसमें एरो हम ऐसे ले लें, एरो ऐसे चल रहे हैं हम, एरो ये चल रहे, बट इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इन इन इसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप, जो हमने लूप ले रहे हैं ए बी सी डी ए में, जो वन हमने लिखा है, देखिए क्लोज लूप वन में हम जो बात कर रहे हैं ये उसमें ए बी सी डी ए में इसमें चलें, और हमने एरो लगा दिया. एरो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बेटर पॉजिटिव है. सबसे पहले आप देखिए आई वन करेंट की बात, ये करेंट आई वन करेंट है, आई वन करेंट है, आई वन करेंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन सेम, देखिए ऐसा चल रहा है एरो, ये करेंट जो है ये करेंट इस एरो की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब जो एरो और करेंट की डायरेक्शन सेम है तो करेंट पॉजिटिव होगी, तो करेंट जो है इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, ये आई वन करेंट आर वन में, तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस, करेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और रेजिस्टेंस आर वन. फिर आपने देखा ये आई टू करेंट जो है, आई टू करेंट दूसरे इस वाले तो पार्ट में देखिए आप, तो यहाँ करेंट आई टू की डायरेक्शन देखिए एरो के अपोजिट है, आई अधिक हम एरो यूँ ले रहे हैं,
एरो देखिए बेटा, देखो बच्चों देखो, ये देखिए एरो यूँ चल रहा है, लेकिन करंट ये आई टू इधर आ रही है, तो इस आई टू को निगेटिव लेंगे यहाँ, साइन निगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है जन जो हम एरो ले रहे हैं, जन एरो का मतलब जंक्शन हो गया, टूवर्ड जंक्शन, और ये हो गया आई आई टू इंटू आर टू। इसमें यहाँ आई टू को निगेटिव साइन लेंगे, और अब यहाँ पर क्या है, ई एम एफ जो हमारा है, अब ई एम एफ का डायरेक्शन इक्वल टू होता है ई एम एफ, देखिए मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, ये होता है आई वन इंटू इट्स रेजिस्टेंस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर आई टू निगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, एरो के अपोजिट था हमारे जो, और इंटू आर, ये सब ये होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड इट्स रेजिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट सम एलजेब्रिक सम ई एम एफ। इस ई एम एफ क्या है, यहाँ पर ये है इसकी डायरेक्शन, और देखिए एरो जो बनाए इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये पहला ई एम एफ पॉजिटिव, और दूसरा ई एम एफ क्या होगा, इसका एरो देखिए ये देखिए, और इसकी एरो देखिए निगेटिव है, ये चीज डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो इसको निगेटिव मिलेंगे, तो ये माइनस एप्सिलेंट। बेटा इसको जो नियम है, जो यहाँ पर हमने रूल बनाया, देखिए ये लिखा है करेंट एंड इट्स रेजिस्टेंस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर आई टू निगेटिव है इस साइन के अकॉर्डिंग, इस साइन के अकॉर्डिंग निगेटिव है, तो आई टू इंटू आर टू इक्वल टू एप्सिलॉन ई वन माइनस एप्सिलॉन ई टू, ये पहले मेस में। अब सेकंड इसको एक इक्वेशन आपका बन गया, एग्जाम में आपको करेंट ई वन ये दिया होगा, करेंट निकालनी होगी, आर और आर वन आर टू गिवन होगा, न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम, अगेन इन इनक्लोज मेस लूप भी कर सकते हैं, लूप दूसरी वाला लें या डी सी प्लेन सी डी ई एफ सी में, है ना, इसको टू लूप कहें। इसमें हम एरो क्या लें, एरो इसमें भी एरो ऐसे ले लें, ऐसे एरो लें, इसको एरो लें, कितना ही हम लें, एरो बहुत जरूरी है इसमें, एरो लगाना, बिना एरो के आप काम नहीं कर सकते, कुछ सॉल्व समझ नहीं पाएंगे, या तो उल्टी लगाइए, एरो की रिस्पेक्ट में हमें साइन को पॉजिटिव निगेटिव लेना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो देख इस ब्रांच में जो करंट आ रही, इसकी डायरेक्शन और करंट की एरो की डायरेक्शन सेम है, यूं करके चल रहे हैं, तो ये करंट, तो यहाँ पर करंट होगा आई वन प्लस आई टू, ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है क्योंकि इसकी डायरेक्शन और एरो की डायरेक्शन सेम है, और ये रेजिस्टेंस आर थ्री प्लस, ठीक है एरो जो ये वाली एरो ले रहे हैं, ये वाली एरो और करंट की डायरेक्शन सेम है, ये आई टू की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस हो जाता है, एलजेब्रिक सम होता है, करंट इंटू इट्स रेजिस्टेंस होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर टू इक्वल टू, ये देखिए सिग्मा आई आर, सिग्मा आई आर हो गई इक्वल टू सिग्मा ई एम एफ, ई एम एफ इसमें इस क्लोज मेस में क्लोज लूप में केवल एक ई एम एफ है, और इसकी डायरेक्शन भी जो है ये एरो की, ये वाली एरो के रिस्पेक्ट में, देखिए हम एरो यूँ ले रहे हैं इसके लिए, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया एप्सिलॉन टू, दिस इज इक्वेशन टू। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, तो इस सर्किट का जो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ ने बनाया था ये रूल, जो डिफरेंट ब्रांचेस है हमारे आर वन आर टू आर थ्री, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ ने इस लॉ को इस्टेब्लिश की, इसको इसको एक्सप्लेन किया, तो इसकी हेल्प से हम कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों हो, करेंट आउट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर किरचॉफ ओम्स लॉ का हेल्प नहीं ले सकते, जहाँ ओम्स लॉ का हेल्प निकाल सकते हैं, वहाँ इससे इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों कोई, तो बच्चों ये तो बहुत है। अब इसी बेस पर हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको हम आप निरंतर देखें वीडियो तो आपको समझ में आएगा, व्हीटस्टोन भी इसी पर बेस है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ पर बेस है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए उसको किरचॉफ व्हीटस्टोन। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बच्चों, तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या आप सोच रहे हैं कि व्हीट मीन स्टोन, व्हीट मीन गेहूँ, स्टोन पत्थर, ब्रिज, नो इट इज़ नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन जी, अंग्रेज साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने एक इसको चार 1842 में फोर रेजिस्टेंस लेकर
एक सर्किट बनाया था, बस एक में इसमें एक बैटरी लेके, सेल लेके, की गैल्वेनोमीटर लेके, तो एक एक बैलेंस सर्किट बनाया। इस सर्किट को भी, सर्किट का बैलेंस होता है, इस पर 20 चार इंस्टेंस ली, इसको नाम दिया पी, ये क्यू, ये आर और एस। ये जो है क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल में चार रेजिस्टेंस लगा दिए और बीच में गैल्वेनोमीटर है, इस सेल है। तो इस सर इसमें क्या है, इसको कैसे समझें कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। जब इसमें करंट पास करते हैं हम लोग, यहाँ से करंट पास करेंगे, ये करंट आई है, तो ये करंट यहाँ से डिवाइड हो जाती है, ये करंट होता है I1, इधर के लिए जाती है करंट I2, ठीक है। और इससे कुछ करंट क्या होगी हमारे पास, इसमें भी फ्लो करेगा, जो करंट हमारा कुछ करंट इसमें, इस कुछ करंट यहाँ आ जाएगी, माना IG इसको गैल्वेनोमीटर में गया, तो यहाँ करंट जाएगा I1, I1 माइनस IG हो जाएगा इधर करंट, और इसमें जो करंट, ये करंट और एक करंट दोनों मीट करेंगे, तो इसमें करंट हो जाएगी I2 प्लस IG। फिर यहाँ दोनों ये करंट मीट करेंगे यहाँ, तो ये करंट अगेन I हो जाएगा, I = I1 + I2 में स्पीड। बच्चों यहाँ देखिए, तो हम समझाएं इसमें कि कैसे कब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं। जब ये अरे एडजस्ट करते हैं पूरा, जब फिगर पूरा बैलेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और एस है, ये एस अननोन है, तो ये जो जब बैलेंस हो जाती है, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, इसका यही कंसेप्ट है। और ये इस ब्रांच में कुछ में बी डी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट क्या है, बैलेंस हो जाती है। तो बैलेंस होने के कारण, बैलेंस होगी तभी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम समझा रहे हैं आपको किरचॉफ के, पहले सबसे पहले आप इसमें कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो यहाँ पर आपका जो ए और बी एन और यहाँ पर डी बी और सी, इसको कहते हैं, रेशियो आर्म, रेशियो आर्म है हमारा, इसको रेशियो आर्म कहते हैं, दो आर्म है। और इसको जो ये हमारा ए और डी है, इसको कहते हैं नॉन आर्म, ANO नॉन आर्म, ठीक है। और ये हमारा जो है डीसी है और नॉन आर्म, और नॉन इसको आर्म बोलते हैं। तो ये तो पहले आपको, अब इस पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं, जो ए बी और बी सी, इसको मतलब ये आर्म है, जो रेजिस्टेंस है ए बी और बी सी पर, जो रेजिस्टेंस है ये पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं रेशियो रेजिस्टेंस, रेशियो रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। और आर को क्या कहेंगे, आर इज नॉन नॉन रेजिस्टेंस, ये पता होगा हमें नॉन रेजिस्टेंस, तो इसको कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस, जो है नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस ये हमें, इस रेजिस्टेंस को हम जानते हैं, पता, इसके बारे में पता हो। कि एस जो है इसको फाइंड आउट करना है, एस है अननोन, अननोन रेजिस्टेंस है। जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तब ये अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ ये इतना हमें जान, और इसके बाद ये होते हैं ए जो है हमारा ए सी है, जो डायगोनल है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट आर्म, बोलते हैं एडजेसेंट आर्म है हमारे पास, तो इसको ज़्यादा इस यूज नहीं करना है, एडजेसेंट आर्म की क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। जब बैलेंस हो जाती है हमारे, इस यहाँ पर कंडीशन क्या है, एग्जाम में आएगा कि इसका प्रिंसिपल लिखो, तो यही है, जब ये पूरा बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। बच्चों बैलेंस प्रिंसिपल की बात करें, नल डिफ्लेक्शन उसको कहते हैं, जब पूरा सर्किट बैलेंस हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर तो ये रेशियो रेजिस्टेंस है, ये भी ये क्या है, ये नॉन रेजिस्टेंस है, ऐसे यहाँ अननोन है, जब चारों बैलेंस हो जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आता है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है गैल, तो हम कहेंगे सर्किट आर बैलेंस, ओके बच्चों। अब हम कैसे इसको, इसको बैलेंस है कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में हम इसको कैसे डिराइव करें। सबसे पहले कि बैलेंस जब सर्किट हो जाती है तो इसमें कोई करंट पास नहीं करता है बच्चों, इस आर्म में कोई करंट पास नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखें इस वाले में, यही इसकी मेन कंसेप्ट है। और हम जो न्यूमेरिकल वाले हैं तो देखेंगे, जब व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, इसमें करंट चाहो फ्लो कर रहा हो, इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन जब बैलेंस हो जाता है ये करंट बिल्कुल बंद हो जाता है, IG जीरो हो जाता है जब बैलेंस हो जाता है। और बच्चों तो बच्चों जो कैसे का डिराइव कराते हैं, तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई करके इसका फॉर्मूला, इसका क्या है जो इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, बैलेंस कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से, सबसे पहले आपको बताएंगे अप्लाइंग
तो यहाँ पर हम एक एरो लगा दे रहा है ऐसा करें इसको और एक यहाँ पर, ठीक। सो अब सबसे पहले यहाँ लगेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करें। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ आपने अभी पढ़ाया था हमने यहाँ पर किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ हमारे पास है, सेकेंड लॉ को इसको अप्लाई करेंगे लो। तो इन पहले ई मेस लें, इन किस में, ए बी डी ए में, ये लूप हमारा, इस लूप में हम यूज़ करेंगे। तो देखिए एरो हमने बनाया है, इसके रिस्पेक्ट में ये करंट पॉजिटिव होगी, ये करंट भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इस लूप में हम चलें इक्वल इसमें ऐसे चल रहे हैं, तो ये करंट पॉजिटिव, ये करंट नेगेटिव, ये करंट पॉजिटिव, इस एरो के रिस्पेक्ट में, इस एरो के रिस्पेक्ट में ये करंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट नेगेटिव, आई टू नेगेटिव, आई वन पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, आई वन पी प्लस आई जी, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हम जी मानते हैं, इसे अक्सर आप यूज़ करेंगे आप गैल्वेनोमीटर, माइनस आई टू नेगेटिव में है इंटू आर इक्वल टू, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी, ई एम एफ नहीं इसमें नहीं है, तो ई एम एफ यहाँ पर जीरो है। अब सबसे ये तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन वन सर्किट, अब दूसरा इसमें से किन सर्किट लाए, इन अगेन अगेन अप्लाई करें, अगेन इसमें देखें आप तो क्या होगा, किसमें आप बी सी डी बी लूप में, इस लूप में आप चेक करें किरचॉफ लॉ अप्लाई करें इसमें भी, तो हम एरो यूँ लगा रहे हैं, ये अलग करेंट आई वन जी पॉजिटिव, आई टू जी, ये आई टू जी निगेटिव, प्लस आई टू प्लस जी निगेटिव, फिर इसमें चलेंगे ये भी निगेटिव हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्यू रेजिस्टेंस करेंट आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, माइनस हो जाएगा एस इंटू पहले करेंट लिखेंगे आई टू प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू। लेकिन आई जी कब जीरो होगा, ये करेंट इसमें गैल्वेनोमीटर कब है, व्हेन इसमें ये कहते हैं कि जब इसमें नल व्हेन सर्किट बैलेंस, व्हेन सर्किट बैलेंस हो जाए, यहाँ पर सर्किट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होगी सर्किट, तो तब गैल्वेनोमीटर में आई जी इक्वल टू जीरो, तो करेंट नो करेंट फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वेनोमीटर क्या होगा, जीरो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब फ्रॉम वन इक्वेशन वन एंड टू को क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू को देखें, फ्रॉम तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तो यहाँ उस केस में हम इक्वेशन वन और टू को क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन टू वन को देखिए, वन में आई जी की जगह जीरो लिखेंगे, देन आई जी इक्वल जीरो, तो हमारे पास आ गया आई पी, ये जीरो जाएगा जीरो, और माइनस आई आई टू आर इक्वल टू जीरो, या इसको लिख सकते हैं आई वन पी इक्वल टू आई टू आर, इक्वेशन थर्ड माने। एंड सेकेंड सेकेंड इक्वेशन से आप निकालेंगे तो ये केवल आई वन क्यू, और ये आई जी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा आई टू एस इक्वल टू जीरो, तो आई वन क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टू एस, इक्वेशन ये हुआ है फोर। अब थर्ड को फोर से डिवाइड कर दें बच्चों, यहाँ पर थर्ड को फोर से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, तो इसको थर्ड से तो डिवाइडिंग थर्ड को डिवाइडेड बाई डिवाइड कर दें फोर से बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए खुद देखिए यहाँ पर इक्वेशन यहाँ लिख दें ये बच्चों को समझ डिवाइडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ इसके बाद रिजल्ट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई वन पी अपॉन आई आई वन, ये आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर
अपॉन आई टू एस। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आई आई वन कैंसिल हो गया, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज, जब बैलेंस हो जाती है तो पी बाई क्यू इक्वल टू बैलेंस सर्किट तभी कल आएगा जब पी बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, सर्किट इज बैलेंस। सर्किट बैलेंस का रेजिस्टेंस है तो गैल्वेनोमीटर में इस केस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। ये व्हीट स्टोन बैलेंस की बात है, तो बैलेंस सर्किट तो बैलेंस हो गया हमारा। अब इसकी कैसे हम सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसका सेंसिटिविटी की के लिए क्या कंडीशन है, तो सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट स्टोन्स का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिव जैसे कोई चीज़ को थोड़ा सा आप टच करें तो उसमें थोड़ा सा हलचल ज़्यादा हो जाना, थोड़ा सा भी हलचल। अब सेंसिटिविटी, अब व्हीट स्टोन को छूने से क्या हलचल का मतलब नहीं है, हिल जाए ऐसा नहीं, हिलने का मतलब नहीं। तो इसका मतलब सेंसिटिविटी में जो हमारा व्हीट स्टोन है उसमें जो रेस्ट्रेंस होते हैं हमारा व्हीट स्टोन पी क्यू आर एस, जो अभी लिखे वहाँ पर पी क्यू आर एस में थोड़ा सा भी रेस्ट्रेंस में चेंज करते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, ठीक है। व्हेन द स्मॉल चेंज इन द वेन स्मॉल चेंज इन रेस्टेंस कंटेन इन द आर्म ऑफ द व्हीट स्टोन्स, तो देखें तो मच मोर डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आने लगता है, इसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन। ओके बच्चों, तो ये किन 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 फैक्टर पर डिपेंड करता है, इन व्हिच फैक्टर डिपेंड। सबसे पहले है कि जो रेजिस्टेंस होने चाहिए, फोर रेजिस्टेंस हैं पी क्यू आर एन एस शुड बी सेम। ये जो रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस हैं उन्हें होनी चाहिए, ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये चारों जो हैं लगभग फोर रेजिस्टेंस हैं, तो ये फोर रेजिस्टेंस शुड बी क्या होना चाहिए, फोर रेजिस्टेंस शुड बी सेम ऑर्डर होने चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए लगभग, सेम ऑर्डर का रेस्ट ऑर्डर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये जो पी क्यू आर है, जो फोर रेजिस्टेंस हैं, शुड बी सेम ऑर्डर रेस्ट। दूसरा क्या करेंगे, यदि हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर रिलेटिव पोजिशन चेंज करते हैं, रिलेटिव पोजिशन ऑफ क्या करते हैं, पोजिशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन कहते हैं, रिलेटिव पोजिशन ऑफ उसकी किसकी सेल और एंड गैल्वेनोमीटर्स, रिलेटिव पोजिशन ऑफ जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर थे, क्या यदि रिलेटिव पोजिशन का मतलब है, यहाँ पर इसने एक प्रोफेसर कैलेंडर थे ने कहा था कि यदि व्हीट स्टोन को और इसकी सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना है तो सेल पर जुड़ी हुई सेल है, सेल इस प्रकार जुड़े हैं कि सेतु जो हमारे ब्रिज है वो उसके सीरीज में आ जाए, बस ठीक है सीरीज में आ जाए। तो वो ये कहा था, और मैक्सवेल ने कहा था कि यदि हम उसको और अगर उसकी सेंसिटिव बढ़ानी है तो सेल और उनमें क्या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेल और गैल्वेनोमीटर में जिसका रेजिस्टेंस अधिक हो उस, ठीक है उसके अनुसार। तो ये इसकी पोजिशन पर डिपेंड करते रहिए, इसको दूसरा इतना ही आप लिखेंगे, रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर, यही इस पर डिपेंड करती है बच्चों। अब ये हमने आपको बता दिया इसके बारे में, जो समझा दिया कि इस ये होनी सेंसिटिव, सेंसिटिविटी में कहा मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पी क्यू आर, इसमें स्मॉल चेंज करते हैं तो मच मोर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आता है, इसी को सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन कहते हैं। तो ये इसकी सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इन विच फैक्टर डिपेंड, पी क्यू आर एस शुड द फोर रेजिस्टेंस शुड बी सेम ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस होने चाहिए, रेजिस्टेंस ऑर्डर रेजिस्टेंस होने चाहिए, और रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादा तो इसी पर बेस हमारा है, जो इंस्ट्रूमेंट पर बेस है मीटर ब्रिज, हमारा एक मीटर ब्रिज है, इसी पर बेस है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी था,
पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो रेजिडेंस में यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में मीटर ब्रिज। अब जो मीटर ब्रिज है इस पर भी हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट वैलेंस कब हो जाए इस पर भी आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों। थोड़ा सा इसको इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही समझा देंगे, क्योंकि मीटर ब्रिज समझाएंगे, फिर पोटेंशियोमीटर समझाना है, इसके यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज वेरी सब ऑल इम्पोर्टेंट थिंग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा वीडियो, और आप जितने भी आगे जाएंगे सभी अच्छी अच्छी हम आपको अच्छे क्वेश्चन इसमें आप सबमिट करेंगे। IIT जो JEE IIT मेन्स एग्जाम के लिए बेस्ट है और नीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा वीडियो अगेन। थैंक यू।